गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर आनंद पाल से कुशवा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कोट डेथ, इसे क्रीप डेथ भी बोलते हैं और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम भी बोलते हैं, SIDS। एग्जाम में 10 मार्क्स पूछा जाता है। सो स्टार्ट हम करेंगे डेफिनेशन से। सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ द हेल्थी इन्फेंट, राइट। होल डेथ रिमेन्स अनएक्सपेक्टेड अनएक्सप्लेन इवन ऑफन थ्रू केस इन्वेस्टिगेशन, डेथ स्कैन एग्जामिनेशन, रिव्यू ऑफ द क्लिनिकल हिस्ट्री एंड कंप्लीट ऑटोप्सी, राइट। सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ द हेल्थी इन्फेंट अगर होता है तो SIDS कहलाता है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो इंसिडेंस में 0.6% पर द थाउजेंड्स लाइव बर्थ, इस पे इंसिडेंस रहता है। एज पर्टिकुलरली 2 वीक्स टू 2 ईयर्स, पीक 2 to 4 months, सेक्स इंक्रीज्ड इन मेल, ट्विंस इंक्रीज्ड रिस्क ट्विंस पेयर, टाइम ऑफ द डेथ ड्यूरिंग स्लीप एट ऑल टाइम एट नाइट अर्ली मॉर्निंग आवर्स, प्री मैच्योरिटी हायर रिस्क, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली लो, देन सिगरेट स्मोकिंग एंड ड्रग एब्यूज बाय प्रेग्नेंट वुमेन इंक्रीज द रिस्क, राइट। तो ये पर्टिकुलर सारे रिस्क फैक्टर्स है, फीचर्स है, राइट। इंसिडेंस, एज, सेक्स, ट्विंस, डेथ, टाइम ऑफ द डेथ, प्री मैच्योरिटी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली एंड सिगरेट स्मोकिंग एंड ड्रग एब्यूज। देन नेक्स्ट पॉइंट, ऑटोप्सी चेंजेस। तो हमें इसमें ऑटोप्सी में चेंजेस क्या क्या मिलेगा, तो इन 15% केसेस, इन ऑटोप्सी 15% केसेस इन SIDS, हमें फ्रैंक निमोनिया और ट्रेकियोब्रोंकाइटिस, कंजनाइटल हार्ट डिसीज और डाउन सिंड्रोम मिलता है। इन 15% केसेस डाउन सिंड्रोम वेल मार्क्ड रहता, ट्रेकियोब्रोंकाइटिस, कंजनाइटल हार्ट डिसीज एंड फ्रैंक निमोनिया। देन कॉन्स्टेंट मल्टीपल पैटेचियल हेमरेज मिलेगा ऑन विसरल सर्फेस ऑफ द हार्ट, लंग एंड थाइमस 70-75%, ब्लड स्टेन्स फ्लूड एट माउथ एंड नोज अगर प्रेजेंट रहता है तो ये पर्टिकुलरली इन 50% केसेस में, स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रेकिया एंड मेन ब्रोंकाई। देन मेनी इन्फेंट शोज फ्रोथ इन द एयर पैसेज एंड फेशियल पेलर, फ्रोथ रहेगा एंगल ऑफ द माउथ पे। देन पैटेचियल हेमरेज इन द फेस और आई में बी सीन, राइट। तो इन ऑटोप्सी चेंजेस में आपको फ्रैंक निमोनिया और ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस मिलेगा, कंजनाइटल हार्ट डिसीज, डाउन सिंड्रोम, कॉन्स्टेंट मल्टीपल पैटेजल हेमरेज मिलेगा विसरल सर्फेस ऑफ हार्ट, लंग एंड थाइमस पे, ब्लड स्टेन फ्लूड एट द माउथ और एंगल ऑफ द माउथ पे और नोज पे मिलेगा 50% केसेस में। अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें तो देयर इज अ नो सिंगल कॉज ऑफ द कोट डिसीज, राइट। तो एंड डेथ में रिजल्ट फ्रॉम अ नंबर ऑफ द कॉजेस विच कंबाइन एंड एक्ट वाया कॉमन पाथवे ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्यूर। तो फाइनली जो भी कॉज ऑफ द डेथ रहेगा वो कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्यूर कॉमन पाथवे हो सकता है, कॉमन कॉज हो सकता है, राइट। देन नेक्स्ट वन, स्टेप्स ऑफ द हेल्प प्रिवेंट SIDS। अब 10 गवर्नमेंट ने 10 स्टेप्स बताई है WHO ने कि इस SIDS को प्रिवेंट कर सकती है। तो पुट ए स्लीपिंग बेबी ऑन हिज बैक, फर्स्ट वन, फर्म बेड, नो सॉफ्ट टॉयज और बेडिंग, देन डोंट स्मोक अराउंड योर बेबी, कीप योर स्लीपिंग बेबी क्लोज बट नॉट इन योर बेड, देन ब्रेस्ट फीड एज लॉन्ग एज यू कैन, इम्यून योर बेबी, कंसिडर यूजिंग ए पैसिफायर टू पुट बेबी टू स्लीप, कीप योर बेबी फ्रॉम ओवर हीटिंग, स्टेयर क्लियर ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू क्लेम टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ SIDS, डोंट गिव हनी टू एन इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ एल्ड या 1 ईयर ओल्ड। यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर हनी को उन्होंने बताया कि हनी नहीं देना हमें 1 ईयर की एज तक उससे पर्टिकुलर। देन अगेन हम इसे रिवाइज करते हैं। सो SIDS कोट डेथ और क्राइप डेथ, इसे SIDS सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बोलते हैं, इसे हमें डिफाइन करना है डेफिनेशन में, फीचर्स में, देन ऑटोप्सी चेंजेस में, और क्या क्या हम प्रिवेंटिव मेजरमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।